हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ने जा रहे हैं 7th क्लास की एक कविता जिसका नाम है शाम एक किसान। इसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस कविता में कवि है समय जाड़े की जो शाम है उसके समय का बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चीलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले। इन पंक्तियों में जो कवि है वो पहाड़ को एक किसान के रूप में बताया है कि जो पहाड़ है वो एक किसान के रूप में बैठा हुआ है। आकाश का साफा बांधकर, जो आकाश है वो कैसा लग रहा है? जैसे कोई किसान ने साफा बांध रखा हो। सूरज की चीलम खींचता, इस सूरज रूपी वो किसान कैसा लग रहा है? जैसे कोई सूरज रूपी चीलम को खींच रहा हो। बैठा है पहाड़ कि वो किसान है, वो एक पहाड़ के रूप में बैठा है, कैसा लग रहा है? उसने आकाश रूपी साफे को बांध रखा है और सूरज रूपी चीलम को खींच रहा है, यानी सूरज रूपी चीलम को वो पी रहा है। घुटनों पर पड़ी नदी चादर सी, कि पहाड़ के नीचे जो नदी बह रही है वो कैसी लग रही है? जैसे उसके घुटनों पर कोई चादर पड़ी हो। पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमट बैठा भेड़ों के गले सा। पलाश के जंगल की अंगीठी, अर्थात इसका अर्थ यह है कि पलाश के जो लाल लाल फूल हैं वो कैसे लग रहे हैं? जैसे कोई जलती हुई अंगीठी लग रही है। जब अंगीठी में कोयले डाले जाते हैं, उसको जलाए जाते हैं, तो वो कैसे लगते हैं? पलाश के पेड़ों के जो लाल लाल फूल हैं वो एक जलती हुई अंगीठी के समान लग रहे हैं। अंधकार दूर पूर्व में सिमट बैठा है भेड़ों के गले सा, कि पूर्व दिशा में जो अंधकार छाता है वो कैसे लग रहा है? जैसे कोई भेड़ों का गले सा का अर्थ होता है झुंड, जैसे कोई भेड़ों का झुंड बैठा हो। कवि कल्पना कर रहे हैं कि पश्चिमी दिशा में जो सूरज है वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई सुलगती हुई चीलम हो। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चीलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। इसमें कवि कल्पना कर रहे हैं कि पहले एकदम शांत वातावरण था, उसके बाद अचानक मोर बोला, जैसे किसी ने आवाज दी हो। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कोई आवाज दी है कि सुनते हो? चीलम औंधी, औंधी का अर्थ होता है बुझना, कि चीलम है वो नीचे गिरी और बुझ गई, फिर उससे धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। कि सूरज है वो डूब गया, शाम ढल गई, चारों दिशाओं में अंधेरा छा गया। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो प्राकृतिक दृश्य उसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश है वह उसके सिर पर बंधे साफे के समान दिख रहा है। पहाड़ नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी, और पलाश के पेड़ों पर खिले जो लाल लाल फूल हैं वो एक जलती हुई अंगीठी के समान बताया गया है। अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा, और पश्चिमी दिशा में डूबता हुआ सूरज ऐसा लग रहा है जैसे चीलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। ये दृश्य था वो पूरा एकदम शांत था, फिर अचानक मोर बोल उठता है मानो किसी ने कोई आवाज लगाई हो, सुनते हो? इसके बाद ये दृश्य घटना में बदल जाता है। चीलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है और शाम ढल जाती है, और रात का जो अंधेरा है वो छा जाता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।